नगर पालिका अब शहर में अवैध नल कनेक्शन धारियों और अवैध कनेक्शन जोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के मूड में है। इसके लिए वैध व अवैध नल कनेक्शन की जानकारी जुटाने के लिए सर्वे शुरू किया गया है, जो 15 दिन में पूर्ण होगा। वॉलमैन और ठेकेदार के कर्मचारी शहर के प्रत्येक घर जाकर कनेक्शन धारी का नाम व मोबाइल नंबर के साथ वैध अवैध की जानकारी लेंगे। यदि किसी ने जानकारी देने से मना किया तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। इतना ही नहीं, कच्ची पक्की पर्ची देकर अवैध कनेक्शन करने वालों के नाम भी पूछे जा रहे हैं, ताकि लोगों से रुपए लेकर कनेक्शन देने और नगर पालिका में राशि नहीं जमा करवाने वालों से राशि वसूलने के साथ उनके खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया जा सके। शहर में प्रत्येक घर को शुद्ध व पर्याप्त पेयजल देने के लिए अमृत योजना के तहत 18 करोड़ की लागत नई पेयजल लाइन बिछाने के साथ पुरानी लाइन से हटाकर नए लाइन से कनेक्शन दिए गए, ताकि शहर में पुराने लाइन के हजारों नल कनेक्शन बंद हो और नगर पालिका को जल कर देने वालों को पर्याप्त पानी दे सके। लेकिन नगर पालिका अधिकारियों के नाक के नीचे नपा कर्मी सहित ठेकेदार के कुछ कर्मचारियों व निजी प्लम्बरों ने अवैध नल कनेक्शन जोड़ दिए और नल कनेक्शन की राशि भी अपनी जेब में रख ली। नई लाइन से 1000 से ज्यादा नल कनेक्शन हुए हैं, लेकिन नगर पालिका 500 अवैध नल कनेक्शन होने की जानकारी मान रही है। अवैध नल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के नाम पर करीब 50 लोगों को नोटिस दिए, लेकिन ठोस कार्यवाही नहीं की गई। लोगों से नल कनेक्शन के नाम पर रुपए लेकर कच्ची पर्ची देने वाले नपा कर्मचारी कमलेश को अंतिम नोटिस दिया। वैध अवैध नल कनेक्शनों का पता लगाने के लिए ठेकेदार और वॉलमैनों को 15 दिनों में सर्वे कर जानकारी देने के आदेश दिए हैं।